क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। कहता है इफ एक्स इक्वल्स टू थ्री प्लस रूट फाइव, मतलब वहां पर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, थ्री प्लस रूट फाइव दी है और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, वी हैव हमारे पास क्या है एक्स इक्वल्स टू क्या है थ्री प्लस रूट ऑफ फाइव, राइट। अब हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर निकालना है, तो यहां पे क्या करते हैं इसको करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या बना हमारे पास, ये बना एक्स स्क्वायर थ्री प्लस रूट ऑफ फाइव का स्क्वायर, राइट। यू नो ये फॉर्म बन गया हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर, इट मीन्स क्या आएगा थ्री का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ फाइव का स्क्वायर, ओके प्लस टू ए बी, इट मीन्स क्या आएगा टू ए क्या है थ्री और बी क्या है रूट ऑफ फाइव, इट मीन्स ये क्या आएगा हमारे पास नाइन स्क्वायर रूट कट फाइव प्लस थ्री टू या सिक्स, सिक्स रूट ऑफ फाइव, क्लियर। नाइन प्लस फाइव दैट इज कॉल्ड फोर्टीन प्लस सिक्स रूट फाइव। अब जी हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर आया, क्या आया एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी निकालना है, तो क्या करेंगे देयरफॉर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यू नो वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब ये है, तो ये क्या आ जाएगा फोर्टीन प्लस सिक्स रूट फाइव, राइट। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास। अब जाएगा इसको, इसको कैसे करेंगे हम, यहां पे लिख रहे हैं इसको हम, इसको क्या करूंगा रैशनलाइज करूंगा, क्या करूंगा रैशनलाइज करेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा वन अपॉन ये हमारे पास आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या आएगा वन अपॉन फोर्टीन प्लस सिक्स रूट फाइव इंटू क्या आएगा हमारे पास, हम इसको ना ऐसे करते हैं जहां पे थोड़ा आगे थोड़ा और सा लग रहा है, क्या करते हैं हम इसको करते हैं इस तरह से, ये हमारे पास आएगा इसको मैं उठा के इधर ला रहा हूं, ठीक है। इट मीन्स क्या आएगा हमारे पास ये आया वन अपॉन फोर्टीन प्लस सिक्स रूट फाइव इंटू फोर्टीन माइनस सिक्स रूट फाइव अपॉन फोर्टीन माइनस सिक्स रूट फाइव, क्लियर। अब जी क्या आ जाएगा हमारे पास वन इंटू दिस वन क्या आएगा फोर्टीन माइनस सिक्स रूट फाइव ए प्लस बी जी ए जे बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज फोर्टीन का स्क्वायर माइनस सिक्स रूट फाइव का स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब जहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास यू नो हमारे पास आएगा वन या फोर्टीन माइनस सिक्स रूट ऑफ फाइव, राइट। जहां पे फोर्टीन का स्क्वायर यू नो 196 माइनस सिक्स का स्क्वायर क्या आएगा 36 इंटू फाइव, क्लियर। जहां पे क्या आएगा 14 माइनस सिक्स रूट ऑफ फाइव अपॉन 196 माइनस क्या करना है हमने 36 को मल्टीप्लाई करो किससे क्या करेंगे हमारे पास 36 इंटू फाइव कितना आता है हमारे पास 180, क्या आता है 180। और जहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस सिक्स रूट ऑफ फाइव अपॉन 96 में से 196 में से 180 लग रहते हैं हमारे पास 16, क्या रहते हैं 16। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू मिल रही है वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, तो क्या है जैसे हमारे पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर आया तो हम क्या करेंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर थोड़ा इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास यहां से हमने क्या करना है टू कॉमन निकालना है, जब टू कॉमन पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास सॉरी क्या लिख दिया हमने टू बच कॉमन निकाला तो बचा क्या हमारे पास बचा सेवन, राइट माइनस थ्री रूट ऑफ फाइव अपॉन सिक्सटीन, इसको कट गया ये क्या हो गया एट,
क्या किया 8। इसका मतलब हमारे पास जो ये टर्म है विच इम्प्लाइज 1/x² इक्वल टू क्या है 7 √5/8। ओके जी बस 1/x² की वैल्यू हुई और हमारे पास x वैल्यू। अब हमें जो निकालना है, देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जे वाली टर्म निकालनी और हमें जे वाली टर्म निकालनी और हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी है। ओके और किसकी है 1/x² की है। अब क्या करेंगे हम, जैसे नाउ क्या आएगा एक्स स्क्वायर, पहला वन ठीक है पहला वन लेते हैं हम फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्लियर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी गई है हमें 14 + 6√5 राइट। एक्स की वैल्यू देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दी गई है हमें, हमें यहाँ पे निकाले 14 + 6√5 क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आ रहा है पहला पार्ट, प्लस क्या लिखी हम 1/x² 1/x² क्या हमारे पास 7 √5/8 राइट। अब जहां पे क्या लिया हमें, इसको इवेल्यूएट करने के लिए इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कितना आता है 8 × 14 + 6 × 5 क्लियर। देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से तो इसको ब्रैकेट में रखना है। ओके यहां पे क्या आ जाएगा 7 √5/8 क्या आ जाएगा 8 क्लियर। क्या आ गया 8। अब जहां पे क्या हम इसको 8 को 4 से मल्टीप्लाई, 8 × 4 = 32 8 + 3 कितने होते हैं 11 मींस 112 प्लस 8 × 6 = 48 √5 क्लियर। अब जहां पे क्या आएगा प्लस 7 √5/8 ओके ये हमारे पास क्या आया, इसको आगे करेंगे हम, ये लिया हमने जी क्या आ जाएगा हमारे पास 112 + 7 दैट इज 119 ओके। और ये 48 में से 3 माइनस करे कितने रहते हैं हमारे पास 45 √5 क्लियर हुआ कि जी 45 कैसे आया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप एक स्टेप जहां पे आप इंक्रीज कर सकते हो ठीक है। मैं कैसे लिखूंगा इसको, देखो √5 √5 दोनों में से कॉमन निकाला 48 − 3√5 को क्या किया हमने कॉमन निकाला राइट। और जहां पे क्या आ गया 8 यू नो 119 + 48 में से 3 निकाले 45 राइट √5/8 ये क्या वैल्यू मिली हमें x² + 1/x² ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके अब क्या है सेकंड पार्ट, यू नो सेकंड पार्ट क्या हमारे पास x² - आपने क्वेश्चन में लिखा ही होगा x² - 1/x² जी हमें निकालना है। तो यू नो x² की वैल्यू अभी हमें निकाली है यहां पे, ये क्या है हमारा 16 + 6√5 है, 16 प्लस क्या है 6√5 जो हमारे पास है 6√5 और माइनस क्या आएगा हमारे पास, जी आएगा हमारे पास एक्स 1/x² क्या है हमारे पास 1/x² है हमारे पास 7 − 3√5/8 ये आएगा 7 − 3√5/8 जी क्या है हमारे पास माइनस 1/x². अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो सेम क्या आएगा हमारे पास 8 × 16 राइट प्लस वेट यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। x² is 14 सॉरी 14 + 6√5 ओह मैंने गलत लिख दिया ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पे ठीक है ना जाएगा 14 + 6√5 − 7 − 3√5 ये माइनस लगा है ब्रैकेट का ध्यान रखना ठीक है। अपॉन आएगा 8 इसको मल्टीप्लाई किया कितना आता है 112 / 48√5 माइनस की मल्टीप्लिकेशन जब माइनस हो ब्रैकेट जरूर लगानी है ठीक है जाएगा -7 − − प्लस
तो जी कितना आ गया हमारे पास 3√5 अपॉन 8। ठीक, अब 112 में से 7 माइनस करें कितने रहते हैं 105। अब तो डेडली कर लेता हूँ ना, ठीक है, यहाँ पे यह प्लस है 48 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 51√5 अपॉन 8। यू नो जी क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास। ओके क्लियर, इस तरह से हमें निकालना है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और क्या हमें निकालना है ये दिया गया, ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना हमें। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी भी चीज की नहीं पता चली मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।